गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास सेवेंथ के लिए मैथ्स में 12.2 स्टार्ट करने हम जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में 12.2 में आपका कंस्ट्रक्शन है और कंस्ट्रक्शन में ट्रायंगल को ड्रॉ करना है और कौन कौन ड्रॉ करना है। सबसे पहले ड्रॉ करने के पहले हम आपको बता दें, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलस ट्रायंगल है और इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो ट्रायंगल को ड्रॉ करने के पहले सबसे आसान और सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो साइड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हम सबसे पहले जानें। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वह ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। अगर एक साइड हमको पता चल जाए, जैसे साइड दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो तीनों साइड हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हमको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट जो आपके पास है उसमें ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रूलर यानी स्केल और कंपास। ये दो चीज़ अगर आपके पास है और पेंसिल है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखिए साइड 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक साइड हम ड्रॉ करते हैं स्केल से 7 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि ये साइड हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका नाम बीसी कर दीजिए और ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। चूंकि स्केल से ड्रॉ करना है तो स्केल और कंपास का यूज करेंगे ड्रॉ करते समय। कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमको 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है तो एक लंबा सा लाइन ड्रॉ कर दिए और कंपास को स्केल पर रख करके उसका रेंज ले लिए। जैसे मान लीजिए कि हम स्केल पर रखते हैं कंपास को, इतना रेंज है तो एक पॉइंट से लेकर 7 सेंटीमीटर कट कर देंगे। मान लीजिए कि ये कट हो गया तो ये जो पर्सन है ये बी सी वो 7 सेंटीमीटर हुआ, जो एक्स्ट्रा है उसको खत्म कर दीजिए। तो एडजेक्ट अगर मेजरमेंट करना होगा, बिल्कुल पक्का मेजरमेंट करना होगा, तो केवल स्केल का काम नहीं चलेगा, स्केल के साथ साथ कंपास भी जरूरी है। कंपास भी जरूरी है और कंपास, जब तक कंपास नहीं होगा तब तक आपका कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ नहीं हो सकता। तो ये चलिए फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया कि एक साइड हमने ड्रॉ कर दिया कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर कंपास का यूज करते हुए। अब हम क्या करेंगे कि दूसरा साइड और तीसरा साइड भी 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। कंपास को मेजरमेंट पर लेते हैं, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का है तो कंपास का एक पॉइंट बी पर लेकर के और ऊपर कट करेंगे और फिर दूसरा पॉइंट लेकर ऊपर कट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ऐसे कट होगा और इस पॉइंट से लेंगे तो ऐसे कट होगा और इस कट पॉइंट को बी पॉइंट से क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये भी हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, इसका पॉइंट हो जाएगा ये। तो ए बी सी जो हुआ वह इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, ठीक है। आप डेफिनेशन पढ़ते समय ये बात पहले से जानते हो कि ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ, है ना, ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ, यानी किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो वह कौन ट्रायंगल कहलाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। तो एक साइड मैंने ड्रॉ किया था 7 सेंटीमीटर और दूसरा इसी मेजरमेंट को रिपीट करते हुए कंपास का यूज करके हम
क्या कर दिया, आर्क ड्रॉ किए, तो यहाँ पर ए पॉइंट हो गया, ए पॉइंट कट पॉइंट हुआ और ए से बी को मिला दिए, फिर ए से सी को मिला दिए, तो ये आपका हो गया कौन, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब क्वेश्चन नंबर टू में आइए, ये तो था कि केवल साइड एस 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 ये मैंने ड्रॉ किया, लेकिन अब आइए क्वेश्चन नंबर टू में, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एबीसी इन विच ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ए 40 डिग्री, एंगल सी 45 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी। यहाँ पर एक साइड है और दो ठो एंगल है, अब आप इसको देखेंगे कैसे ड्रॉ करते हैं। ये जो आप कंग्रुएंस पढ़े हैं और उस कंग्रुएंस में फोर केसेस की चर्चा हुई थी कि कंग्रुएंसी में चार केसेस कौन कौन हैं, तो मैंने बताया था एस 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 यानी साइड साइड साइड, दूसरा मैंने बताया था एस ए एस साइड एंगल साइड, और तीसरा मैंने बताया था ए एस ए एंगल साइड एंगल, और चौथा मैंने बताया था आर एच एस यानी राइट हाइपोटेनस साइड। तो ये चारों जो चार प्रकार का ट्रायंगल है वही ट्रायंगल आपको यहाँ बुक में भी ड्रॉ करना है। तो पहला जो मैंने एस एस बताया था वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ है ना, अब दूसरा जो ड्रॉ करने मैं जा रहा हूँ वो है कि दो एंगल है और एक साइड है, तो पहले कौन कौन है देखिएगा, ये ट्रायंगल एबीसी है और इस ट्रायंगल में जो एबी है वो 5 सेंटीमीटर, एक साइड दिया हुआ है एबी, वो कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर है, और दो एंगल जो दिया हुआ है, एंगल ए 40 डिग्री है, एंगल ए जो है वो 40 डिग्री है और एंगल सी जो है वो 45 डिग्री है, एंड एंगल सी जो है वो 45 डिग्री है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि दो एंगल और बीच साइड है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपका एस ए एस ए यानी एंगल साइड एंगल का थ्योरम इस पर लागू होता है। अब आइए हम कैसे ड्रॉ करते हैं, अब इसमें कह रहा है कि ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो ए बी पर 5 सेंटीमीटर जब ड्रॉ करेंगे है ना, तो ए एंगल पर कितना हो जाएगा, ए एंगल पर 40 डिग्री हो जाएगा, और सी आपका क्या होगा 45 डिग्री होगा। कैसे होगा तो देखिए, सबसे पहले हम ए ड्रॉ करते हैं, ए बी इसका नाम दे देते हैं ए बी, क्लियर, और वो कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब जो एक एंगल है ना, यहाँ पर आप एंगल की प्रॉपर्टी, ट्रायंगल में एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री, यहाँ पर 40 डिग्री है 45 डिग्री है, तो ए है और सी है तो बी ऑटोमेटिक निकलेगा, तो बी कैसे निकलेगा, यहाँ पर 40 डिग्री जोड़ दीजिए, 45 डिग्री जोड़ दीजिए, आप प्लस एंगल बी कर दीजिए, इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब ये दोनों अगर ऐड कर देते हैं तो 85 डिग्री हो जाएगा और प्लस एंगल ए बी हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब एंगल बी जो है वह कितना होगा 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, ठीक है, तो एंगल बी इक्वल टू 10 में से 5 गया 5, यहाँ 17 में से 8 गया 9, 95 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल बी निकल गया 95 डिग्री। अब यहाँ पे ए बी अगर 5 सेंटीमीटर है तो ए पर हम एंगल ड्रॉ किए वो कितना डिग्री 40 डिग्री, तो मान लीजिए कि 40 डिग्री हम ड्रॉ कर दिए, 40 डिग्री ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ए बी तो 5 सेंटीमीटर है,
और सी पर हमको कितना डिग्री करना है, सी पर करना है 45 डिग्री, लेकिन सी का जो लिमिटेशन है, मेजरमेंट है, वो तो हमको पता नहीं, तब क्या करेंगे। इसी कारण से बी का एंगल मैंने निकाला, तो बी का एंगल निकाला तो कितना डिग्री, 95 डिग्री। ठीक है, अब 95 डिग्री चांद से इस पर रखकर 95 डिग्री ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर बी पर 95 ड्रॉ करेंगे, तो 90, ये 90 होता है एकदम बिल्कुल होता है 95, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होगा। अब ये 95 इस रूप में हो जाएगा, यहाँ पर 95, अब ये बढ़ते चला जाएगा और ये भी बढ़ते चला जाएगा, ये पॉइंट कट हो जाएगा, तो ये जो होगा वो सी हो जाएगा, तो जो सी होगा वो 100% 45 डिग्री ही होगा। क्लियर। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर एंगल ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, दूसरा कोई विकल्प मेरे पास नहीं था, क्योंकि मेजर करना था बी, तो बी मेजरमेंट करने के लिए ये 40 45, 95 होता है, 85 होता है, और 180 में से 85 को लेस करते हैं तो 95 हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से आपका ये दो क्वेश्चन हमने बनाया। अब तीसरा क्वेश्चन हम आपको समझा दे रहे हैं, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एबीसी एंड एबी इक्वल टू 7.4 सेंटीमीटर और बीसी 8.4 सेंटीमीटर और एंगल सी जो है 90 डिग्री है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। इसमें आपका एक एंगल 90 डिग्री है, तो सबसे पहले हम बीसी ड्रॉ करेंगे और सी पर 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और ए बी 7.4 सेंटीमीटर और बी सी 8.4 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। अब आप इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले जो ए बी सी ड्रॉ करना है उसमें ए बी है 7.4 सेंटीमीटर, साइड दिया हुआ है ए बी, ओ है आपका 7.4 सेंटीमीटर, और दूसरा जो साइड है वो बी सी है 8.4 सेंटीमीटर, बी सी है 8.4 सेंटीमीटर और एंगल सी 90 डिग्री है, और थर्ड जो पॉइंट है एंगल सी है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो ये क्लियर है कि जो ट्रायंगल हम ड्रॉ करने जा रहे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री होने का मतलब ही होता है कि वह राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम बेस को तैयार करते हैं, तो यहाँ पर बी सी दिया हुआ 8.4। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि ए बी हम क्यों नहीं ड्रॉ करेंगे, इसलिए ड्रॉ नहीं करेंगे कि बी सी ड्रॉ करेंगे तो सी पर एंगल बनाना है 90 डिग्री, इसलिए हमको बी सी ड्रॉ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने बी सी ड्रॉ कर दिया, ओ है कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका नाम हो गया बी सी, और सी पर 90 डिग्री ड्रॉ कर दिए। तो सी पर 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए जो मेथड आप पहले से जानते हो, नहीं जानते हो तो कंपास चांद का यूज करोगे, प्रोटेक्टर का यूज करोगे, अगर जानते हो कंपास से ड्रॉ करना तो ये कट पॉइंट होता है, इसको आगे मिला देंगे, ये आगे बढ़ गया, ठीक है। तो बी सी हो गया 4 सेंटीमीटर और सी से जो 90 डिग्री ड्रॉ किए तो उसका जो लाइन सेगमेंट होगा वो ए पॉइंट पर कहीं ना कहीं जाकर मिलेगा, तो जो ए पॉइंट पर मिलेगा तो ए बी हो जाएगा कितना सेंटीमीटर, 7.4 सेंटीमीटर। अब ए से बी यानी बी पर पॉइंट रखकर, सेंटर रख करके 7.4 सेंटीमीटर हम कट करेंगे, तो यहाँ से कंपास को रखेंगे और कट करेंगे तो इस पॉइंट पर कभी ना कभी मिल जाएगा, और जो मिलेगा वो पॉइंट हो जाएगा ए, और यहाँ एक हाइपोटेनस ड्रॉ हो जाएगा, ये है आपका 7.4 सेंटीमीटर। क्लियर। बी सी हो गया 4 सेंटीमीटर, ये 7.4 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो जब कभी भी आप किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री ड्रॉ करने की चर्चा हो तो समझिए कि राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ होने का मीनिंग ही होता है कि उसमें हाइपोटेनस होगा, परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा। क्लियर।
अब फिर एक बार क्वेश्चन नंबर फोर में हम चलते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, लेकिन उसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब पेरीमीटर जब 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो साइड कितना होगा? तो पेरीमीटर बाई 3 कर देंगे तो उसका साइड निकल जाएगा। यानी 10/3 करेंगे, और 10/3 का करने का मतलब ही होता है कि आपका डिसमल में आएगा। साइड क्या आएगा? डिसमल में आएगा। ठीक है, 3 पॉइंट कुछ आएगा, तो जब डिसमल में आएगा तो उसका मेजरमेंट यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड आपका एक ही होता है और तीनों साइड इक्वल लेंथ का होता है, बन सकता है। तो ये आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। 12.2 कंप्लीट हुआ आपका। इसमें कंस्ट्रक्शन जो था वह 6 क्वेश्चन था, जिसमें आपको 4 हमने बता दिया। 5 और 6 दो क्वेश्चन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाते हो। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। क्लास 7 में रिवीजन का जो चैप्टर 5 है हम लोग शुरू कर रहे हैं, और इस चैप्टर में हम चल रहे हैं एसिड बेस एंसल्ट। तो भाई ये जो ऐसा है कि हमारी ज़िंदगी में जो सब्सटेंस होते हैं, जो चीज़ें हम खाते हैं या जो हम यूज़ करते हैं, उसमें 3 चीज़ें मेन होती है, एसिड्स, बेस और साल्ट। हाँ, कैसे पहचानेंगे कि एसिड, बेस और साल्ट कौन कौन है? तो जैसे ही हम उसको टेस्ट ले लेंगे तो वो क्या होगा, वो खट्टा लगेगा तो वो एसिड है, अगर थोड़ा कड़वा लगा तो बेस है, और अगर नमकीन लगा तो क्या है, साल्ट है। एसिड जो होता है, एसिड जो है एक स्विस लैटिन वर्ड है, एक्विशिया, एसिडियस, और एसिडियस का मतलब होता है शावर। ठीक है, द वर्ड एसिड इज ड्राइवन फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस, और इसका मीन्स होता है शावर। तो ऑल एसिड हैव द वन प्रॉपर्टी इज कॉमन, सारे एसिड जो होते हैं उसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी है, और वो है खट्टा होना। हाँ, एक बात हमारी ज़िंदगी में, तो मैंने बात की थी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, टर्मरिक है, विनेगर है, कॉर्ड है, ग्रेप वाइन है, अनराइप मैंगो, इन सारी चीज़ों का अगर हम टेस्ट करें तो इसका टेस्ट कैसा लगेगा? इसका टेस्ट हमें खट्टा लगेगा। ठीक है, क्यों खट्टा लगेगा? क्योंकि ये जो सारे चीज़ें हैं, ये दे कंटेनिंग एसिड, इसमें क्या है, एसिड है, और अगर एसिड है तो खट्टा लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि द केमिकल नेचर ऑफ एसिड, ठीक है, या द केमिकल नेचर ऑफ सबस्टांस विच एसिड इज देम इज सेड टू बी एसिडिक। अब एक बात है, बेकिंग सोडा, भाई बेकिंग सोडा जनरली यूज़ कैसे बोलते हैं हम, खाने वाला सोडा। तो बेकिंग सोडा है जिसे हम पाव रोटी में भी यूज़ करते हैं, तो बेकिंग सोडा है उसको अगर हम यूज़ करते हैं, देखते हैं। हाँ, याद आया मुझे कि अगर मान लो कि कभी साबुन लगा रहे हो और साबुन कहीं गलती से ऊँटों पर लग गई, जीभ के टच में आ गया, तो क्या होगा, साबुन का स्वाद जो होगा कड़वा होगा। क्यों कड़वा होगा भाई? चूँकि बिकॉज इट कंटेन बेस। अब थोड़ा सा हम बात करें कि सम सब्सटेंस आर, कुछ सब्सटेंस होते हैं जो ना एसिड होते हैं ना बेसिक होते हैं, जब दोनों नहीं होते तो होते क्या हैं, वो सॉल्टी होते हैं, वो सॉल्ट होते हैं, नमकीन होते हैं। मोस्ट पीपल जो होते हैं थिंक कि एसिड आर फॉर्डिंग कोरेशिप। पहले लोग सोचते हैं क्या कि जो एसिड है उसका कोरेशिप नेचर होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ है, सारे एसिड कोरोसिव नेचर के नहीं होते हैं। विनेगर, विनेगर जो होता है जो एसिडिक एसिडिक एसिड है, इट इज़ यूज्ड टू प्रिजर्व फूड, पिकल्स, विनेगर हेल्प इन प्रिजर्व द फूड बाय द डिस्ट्रॉइंग मैक्रोब्स। ये क्या होता है, माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करता है। इट ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट केमिकल्स इन द फूड फ्रॉम द कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन। ये क्या करता है कि हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर उस केमिकल्स को क्या करता है कि प्रिजर्व करता है। इट एक्ट एज एजेंट ऑफ द फूड स्पॉयलेज, ये फूड स्पॉयलेज को बचाता है। शावर मिल्क कंटेनिंग लैक्टिक एसिड, दूध फट जाना, देखो दूध फट जाना तो ये तो कॉमन लैंग्वेज का वर्ड है कि दूध फट जाना, बट दूध का खट्टा होना यानी दूध में लैक्टिक एसिड का हो जाना। वेदर सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन कार बैटरी, और सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कार और बैटरीज में करते हैं। अगर हम बात करें एसिड को, तो एसिड में दो पार्ट हम बांट सकते हैं, नेचुरल एसिड और मैनमेड एसिड। तो नेचुरल एसिड वैसे होते एसिड होते हैं जो प्लांट या एनिमल्स हमको मिलते हैं, जैसे साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड और मेथनोइक एसिड।
भाई ये प्लांट्स मिलते हैं, प्लांट्स से मिलने वाले हैं, ये है ऑरेंज और लेमन, इसको साइट्रस, इसको साइट्रिक फ्रूट कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो विटामिन सी व साइट्रिक एसिड में मिलता है। टार्टिक एसिड ग्रेप और टर्मिक मिलता है। लैटिक एसिड सावर मिल्क में मिलता है। यूरिक एसिड यूरिन में मिलता है। और मेथनोइक एसिड एंटेस्ट्रिक मिलता है। इसके साथ हम मिनरल एसिड या मैनमेड एसिड की बात करें तो मिनरल एसिड या मैनमेड एसिड्स जो होते हैं जिसमें आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका क्लीनिंग पर्पस है और डाइंग या फर्टिलाइजर में यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिसको कार की बैटरी में, बस ट्रक की बैटरी में यूज होता है। नाइट्रिक एसिड इसका यूज गोल्ड स्मिथ लोग ऑर्नामेंट्स के लिए करते हैं। एनिबलेंट इज कॉमन इन ऑल, सारे एसिड में एक चीज़ कॉमन है कि हाइड्रोजन, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी सल्फ्यूरिक फॉर द सबस्टांस बिहेव एज एसिड। ठीक है, अरहेनियस वॉज द फर्स्ट स्वीडिश साइंटिस्ट हु डिफाइन, भाई अरहेनियस जो था वो पहला स्वीडिश साइंटिस्ट था, ऑब्जेक्टिव बिलीव कर लीजिएगा, जो सबसे पहले एसिड की खोज किया। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, तो हियर आर द सम इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ऑल एसिड हैव सावर टेस्ट, भाई सबसे पहली बात है कि जितने भी एसिड होते हैं सबका स्वाद क्या होता है, सबका स्वाद खट्टा होता है। नहीं, एसिड्स आर सोलेबल इन वाटर, ऑल एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर फॉर्म ए क्लियर सॉल्यूशन, सारे एसिड को अगर हम पानी में डाल देते हैं तो साफ सुथरा सॉल्यूशन हमको मिलता है। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर एसिड कैन बी आइदर डिल्यूट और कंसनट्रेट, हाँ वाटर की मात्रा से हम डिल्यूट या कंसनट्रेट बनाते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर देन एसिड, अगर एसिड से ज़्यादा वाटर है तो वो डिल्यूट होगा, अगर वो कम है तो कंसनट्रेट एसिड होगा। हीट इज प्रोड्यूस व्हेन द स्ट्रॉन्ग एसिड इज मिक्स विथ वाटर, जब स्ट्रॉन्ग एसिड को हम पानी में मिक्सअप करते हैं तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। दस द मेक टू मेक ए डिल्यूट सल्फ्यूरिक सॉल्यूशन ऑफ एसिड ऑलवेज एड एसिड टू वाटर स्लोली एंड नेवर पोर वाटर एसिड, कभी कभी ऐसा होता है कि हम पानी में एसिड को डालते हैं, एसिड वगैरह पानी डालेंगे तो स्प्लैश होता है, छलकता है, और छलकता है तो हमारे हाथ को जलने का भी डर रहता है। हीट इज प्रोड्यूस, उसको हम क्या कहते हैं, एसिड बॉर्न भी कहते हैं। एसिड का सबसे पहली पहचान है कि ब्लू लिटमस को यह क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को यह रेड कर देता है। एसिड कंटेन इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन फॉर्म, एसिड का जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एसिड क्या है, आर कोरेसिव नेचर, हाँ एसिड जो है कोरेसिव नेचर होता है, सबका नहीं होता है लेकिन वो कुछ मैक्सिमम का होता है। इट कैन काउज स्ट्रिप बर्न इंजर्ड इन स्किन डिस्ट्रॉय पेपर क्लॉथ वुड एंड इवन कोरेड इन मेटल, यहाँ तक कि अल्मोनियम और आयरन जैसे मेटल को भी कोरेड कर देता है। अब बेसिसिटी ऑफ एसिड, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन H+ जितना फर्निस्ट करेगा वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl फर्निश वन हाइड्रोजन आयन, देयरफॉर द बेसिसिटी इज वन। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मोनो बेसिक एसिड, मोनो बोलते हैं एक को, डाई बोलते हैं दो को। दूसरी ओर हम बात करते हैं H2SO4 को, तो H2SO4 में दो हाइड्रोजन है, चूँकि देख रहे हैं आप H2 है SO4 है, इसलिए बेसिसिटी दो है और इसको डाई बेसिक एसिड कहते हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं यूज ऑफ एसिड, एसिड का यूज़ क्या है, तो सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आर इम्पॉर्टेंट रिजेंट फ्रॉम लेबोरेटरी, लेबोरेटरी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दे आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, इसका यूज़ फर्टिलाइजर बनाने में, खाद बनाने में किया जाता है। दे आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर डाई आर्टिफिशियल सिल्क रेयन ड्रग, इसका यूज हम पेपर बनाने में, डाई रंग बनाने में, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में, रेयन और ड्रग्स बनाने में भी इसका यूज़ होता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन कार बैटरी, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कार की बैटरी में होता है। नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग द एक्सप्लोसिव सच है TNT, नाइट्रो एसिड का यूज TNT ट्राई नाइट्रोटोलिन होता है। नाइट्रिक एसिड यूज इज प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल सच एज गोल्ड एंड सिल्वर, नाइट्रिक एसिड का प्योरिफिकेशन गोल्ड या सिल्वर के प्योरिफिकेशन में भी होता है। एसिटिक एसिड इज यूज एज टेबल एसिड, इसको विनेगर के रूप में हम यूज करते हैं। कार्बोनिक एसिड इज कॉमनली यूज एज प्लेन सोडा विच इज मिक्स विथ एंटासिड एंड सुगर एंड यूज फॉर मेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक, प्लेन एसिड का यूज हम एंटासिड या सुगर के साथ मिलाकर हम क्या करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में करते हैं। तो बस भाई आज इतना ही, कल अगले दिन बेस की पढ़ाई होगी, बेस आपको टॉपिक की चर्चा
ओके बस थैंक्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज क्लास सेवेंथ में लेसन 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, मिला लीजिए। लेसन 10 में है करीम का सुख, तो करीम का सुख का एमसीक्यू क्वेश्चन यानी सही विकल्प में आपका नंबर एक क्वेश्चन है क में कि करीम था, ऑप्शन नंबर है एक काश्तकार, दूसरा एक दर्जी और तीसरा एक हकीम। तो आपका ऑप्शन नंबर एक जो है वो सही है, यानी काश्तकार सही है। क्वेश्चन नंबर दो में है कि करीम के पास थी दोनों चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर एक में है दो गाय, दो में है दो घोड़े और तीन में है ये दोनों। तो आपका ऑप्शन नंबर तीन का सही है। फिर क्वेश्चन नंबर तीन में है कि करीम ने अपने बेटे को दे दिया, ऑप्शन नंबर एक में एक मकान, दो में गाय बैल और तीन में ये सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर तीन सही है। करीम की संतानें थीं, ऑप्शन नंबर एक में दो, दो में तीन और तीन में पाँच। तो आपका दो नंबर का आंसर जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर पाँच में है करीम का एक पड़ोसी था, ऑप्शन नंबर एक में अहमद शाह, दो में आदिल शाह और तीन में मोहम्मद शाह। तो आपका मोहम्मद शाह यानी तीन नंबर का ऑप्शन जो है वो सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ख में। तो ख में क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान भरने के लिए। तो रिक्त स्थान में है करीम सबका डैश और सबकी खातिर करता था। तो आप लोग डैश में स्वागत भर लीजिएगा, यानी करीम सबका स्वागत और सबकी खातिर करता था। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर दो, डैश आते तब खास खाना बनाया जाता था, यानी इस डैश में भरना है आपको मेहमान, मेहमान आते तब खास खाना बनाया जाता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीन में है कि करीम और उसकी पत्नी खुद बैलों की डैश करते थे, देखभाल करते थे। मेहमान का डैश खुला रह गया, यानी मुंह जो है खुला रह गया। मेहमानों की हंसी रुक गई और चेहरे डैश सज्जिदा हो गए। डैश में आपका सज्जिदा भराएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर गौ में है कि किसने किससे कहा। तो इसमें एक नंबर में क्वेश्चन है कि हाँ उसमें ये उसमें क्या खास बात है। तो ये बात किसने कही थी, मोहम्मद शाह ने मेहमानों से। दूसरा क्वेश्चन है कि नाम तो खूब सुना है, तो ये मेहमान बोले थे मोहम्मद शाह से। तीसरे नंबर क्वेश्चन में है कि वह आपको सब हकीकत बयान कर देगी, तो ये करीमन बोला मेहमान लोगों से। क्वेश्चन नंबर चार, लेकिन उस खुशी का कारण क्या है। तो ये बोली थी उसकी बीवी ने मेहमानों से। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि आखिर वह सुख अब हमें मिला है। उसकी पत्नी बोली मेहमानों से। अब इसके बाद आप लोग का कुछ भाषा में क्वेश्चन है क में। जैसे देखिए कि निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाना है। तो काश्तकार माने क्या होता है, खेतिहर किसान, ठीक है। तो इससे आप लोग सेंटेंस बनाए, काश्तकार जो था मेहनती होते हैं। सत्यानाश, उसका सत्यानाश हो। संपदा, मेरी संपदा समाप्त हो गई। हकीकत, वह हकीकत में जीवन निर्वाह करता है। संजीदा, पत्नी की बातों पर सभी संजीदा हो गए। इसके बाद आप लोग का आता है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है, यानी बड़े वाक्य को छोटा करके एक शब्द में लिखना है। जो खेतों में काम करता हो उसको क्या कहते हैं, कृषक कहते हैं। जो धन संपदा से युक्त हो उसको समायुक्त बोला जाता है। जो गंभीर हो तो उसे गंभीरता बोलते हैं।
ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु होता है, प्रबंध करने वाला प्रबंधक होता है। इसके बाद कुछ विलोम शब्द हैं, जैसे पुराना का नया, अच्छा का बुरा, मालिक का नौकर, खुशकिस्मती का बदकिस्मती, कुछ का सब कुछ, दूर का समीप, बड़ा का छोटा, पीछे का आगे। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेसन 10 के, ठीक है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा हो गए हैं, क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए और कॉपी भी चेक करा लीजिए। धन्यवाद। हाय स्टूडेंट्स, क्लास 7 के बच्चे ध्यान देंगे। क्लास 7 SST में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर। देखेंगे हम लोग कि स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेचर होता क्या है। लेजिस्लेचर मीन द कि विधानमंडल या फिर विधानसभा। तो आवर कंट्री इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, वी हैव गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल एंड ऑल्सो द स्टेट लेवल। हम लोग का जो भारत देश है वह कई राज्यों को शामिल करने से मिला है, यानी एक संघीय प्रदेश है, यानी बहुत सारे राज्यों को एक साथ कंबाइंड किया गया है तो हमारा भारत देश बना है। एंड द गवर्नमेंट एट ईच लेवल वर्क थ्रू द 3 मेन ऑर्गन्स। और इसमें हर एक स्टेट का अपना गवर्नमेंट होता है और एक इंडिया के लिए मिले के सेंट्रल का, केंद्र का अपना नियम होते हैं। दोनों के दो नियम होते हैं लेकिन दोनों अपना अपना चलाते हैं नियम, लेकिन दोनों के जो काम करने के अंग हैं, ऑर्गेन हैं, वो तीन है। तीन काम करने के अंग है, कौन कौन से? तो पहला द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। लेजिस्लेचर मतलब होता है विधानमंडल या फिर विधानसभा, विधानमंडल या विधानसभा। एग्जीक्यूटिव मीन द कार्यपालिका, जुडिशियरी मीन द न्यायपालिका। न्यायपालिका, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जो तीन ऑर्गेन हैं जो यहाँ पे कार्य करते हैं वो कितने भागों में मिलकर के बटकर कार्य करते हैं। तो तीन भागों में, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। सबसे पहले सिंपल वे में हम लोग समझ लेंगे कि लेजिस्लेटिव होता है क्या, एग्जीक्यूटिव क्या होता है और जुडिशियरी क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे हमारा देश जो इंडिया है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में यहाँ पे जो भी कार्य होते हैं वो एक नियम के अकॉर्डिंग होता है, एक लॉ के अकॉर्डिंग होता है। तो जो लॉ बनाने का काम होता है, लॉ में संशोधन करने का कार्य जो होता है, बदलाव करने का कार्य होता है, वो काम लेजिस्लेटिव करती है, लेजिस्लेचर करता है। कौन करता है? लेजिस्लेचर करता है, विधानमंडल। मीन द यू बोल सकते हैं कि विधानमंडल में क्या काम होते हैं, तो वहाँ पर नियम में बदलाव या फिर नियम बनाए जाते हैं। दूसरा था एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव काम क्या करता है? तो जो भी नियम या फिर जो भी लॉ लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाएगा उस लॉ को कार्य में लाने का काम। जैसे सपोज दैट कोई भी कार्य हुआ जो कि एक नियम बन गया विधानमंडल में कि ये नियम बन गया, हमारे देश में ये नियम लागू होने चाहिए, तो उस नियम को कार्य कराने का कौन काम करेगा? तो एग्जीक्यूटिव करेगा। एग्जीक्यूटिव मीन द कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो
जो ये क्या बोलते हैं अनुमंडल है या फिर प्रमंडल है प्रखंड है, तो ये सारे जो होंगे अब उस नियम के अधीन होकर के कार्य करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका उसको कार्य में लाने का काम करेगा। नेक्स्ट होता है जुडिशियरी। जुडिशियरी का मतलब होता है कि यदि कोई नियम बन गया तो वह नियम हमारे देश या राज्य के हित में है या फिर अहित में है, यानी इससे हमारे देश के या फिर राज्य के लोगों को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, उसे अच्छा होगा या फिर बुरा होगा, तो इसका न्याय जुडिशियरी करेगा। इसका न्याय कौन करेगा? जुडिशियरी करेगा। मीन द कि लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको कार्य में लाता है और जुडिशियरी उस कार्य के प्रति अच्छा या बुरा का निर्णय लेता है या फिर उसको क्या करता है, पालन कराता है, यह जुडिशियरी। नेक्स्ट अब देखते हैं लोग स्टेट लेजिस्लेचर क्या होते हैं, राज्य सरकार के विधानसभा या फिर विधानमंडल क्या होते हैं। तो इसमें एवरी इंडियन स्टेट हैज इट्स ओन लेजिस्लेचर, प्रत्येक भारत के राज्य का अपना विधान परिषद या फिर अपना विधानमंडल होता है। एंड ए स्टेट लेजिस्लेचर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ गवर्नर बाय द स्टेट एंड वन हाउस लेजिस्लेचर इज द विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली। और देखेंगे कि जो विधानमंडल होता है उस विधानमंडल या फिर असेंबली का, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेन हेड जो पर्सन होते हैं वो उस स्टेट के गवर्नर होंगे। उस स्टेट के कौन होंगे? गवर्नर होंगे। और इसके साथ हर एक राज्य में एक एक लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसको विधानसभा बोला जाता है। लेकिन ऐसे भी कुछ स्टेट है जिसमें पॉपुलेशन अधिक है, काफ़ी अधिक मात्रा में जनसंख्या है, तो वहाँ पर एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली से कार्य नहीं हो पाता है, तो उसमें दो दो लेजिस्लेटिव असेंबलियाँ बना दी जाती हैं। तो जिसमें दो दो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाए जाएंगे और उस लेजिस्लेटिव असेंबली में विधानमंडल में जो अपर हाउस होगा, अपर विधानमंडल होगा, उसको विधान परिषद या फिर काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। जो अपर विधानमंडल होगा उसको क्या बोला जाता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर विधान परिषद बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यदि उसी स्टेट में एक और भी विधानमंडल है और वो लो है, मतलब निचली असेंबली है, निचली हाउस है, तो उसको क्या बोला जाएगा? तो उसको बोला जाएगा विधान सभा। उसको क्या बोला जाएगा? विधान सभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिफरेंस क्या है? तो एक ऐसा स्टेट जिसमें दो प्रकार की लेजिस्लेटिव असेंबलियाँ हैं और जो अपर लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाएगा और जो लोअर होंगी उसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाएगा। अब देखते हैं लोग कि द लेजिस्लेटिव ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड उत्तर प्रदेश आर द बायोकेमिकल ऑल द अदर स्टेट लेजिस्लेटिव आर यूनिक कैमरल। देखिए, कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर एक सदनीय विधानमंडल है, जहां पर एक ही सदन है, एक ही हाउस बनाए गए हैं, और कुछ स्टेट जो है इसमें कितने हाउस बनाए गए हैं? दो हाउस बनाए गए हैं। तो जो स्टेट जिसमें दो हाउस बनाए गए हैं, जो दो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाए गए हैं, उसकी संख्या सीमित है, निश्चित है। अभी तक हम लोग के भारत देश में 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली दो बनाए गए हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली कितने बनाए गए हैं? दो बनाए गए हैं। और उसमें से राज्य कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश। चूँकि यहाँ की जनसंख्या काफ़ी अधिक है, पॉपुलेशन अधिक है, जिसके वजह से यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या कितनी कर दी गई है? दो कर दी गई है। तो यदि एक क्वेश्चन याद रखेंगे ये कि हमारे देश में ऐसे कितने राज्य हैं जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या दो है, तो जवाब देंगे कि हमारे देश में ऐसे 6 स्टेट हैं, 6 राज्य हैं जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या 6 हैं। और 6 का नाम क्या याद रखेंगे? 6 का नाम याद रखेंगे लोग, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड उत्तर प्रदेश। ये 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या 2 है। अब देखते हैं सबसे पहले लोअर लेजिस्लेटिव असेंबली, लोअर लेजिस्लेटिव असेंबली कौन कौन से हैं। तो विधानसभा के बारे में, तो इसमें कंपोजिशन क्या होता है? द विधानसभा और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कैन हैड एट द मोस्ट 5 मेंबर्स। विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में अधिकतम जो संख्या रह सकते हैं मेंबरों की वो 500 हो सकती है।
याद रखेंगे किसी भी विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 500 होती है, और उसके जो मेंबर होंगे उस मेंबर को बोला जाएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोला जाएगा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का शॉर्ट फॉर्म MLA बोला जाता है। यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर अधिकतम रह सकते हैं? तो 500, और उन 500 मेंबरों को क्या बोला जाएगा? MLA, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और द MLAs आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल ऑफ द स्टेट। MLA जो चुने जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसकी उसका निर्वाचन डायरेक्ट होता है, यानी कि यहाँ के जो मत होंगे वो डायरेक्ट जाकर के अपने मतदान के माध्यम से अपने MLA या फिर अपने उस लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को चुनते हैं। तो यह था विधानसभा के मेंबर के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कितने पॉपुलेशन पे कितने लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होने चाहिए, और कितना से अधिक होता है तो लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या बढ़ा दी जाती है, और विधानसभा विधान परिषद पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट जितना भी पढ़ाई हुआ है इसको कॉपी में अच्छी तरह से सुनकर के नोट्स तैयार कर लेंगे, और तैयार करने के बाद इसको याद कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लोग विधान परिषद। थैंक यू।